वीरेंद्र सिंह चौधरी जी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। तो क्या लगता है इन्होंने भाजपा में जाकर गलती की या नहीं की? अच्छा ये बताएं जी, अगर वीरेंद्र सिंह जी अगर कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो क्या भूपेंद्र हुड्डा उन्हें स्थान देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनका तो मामा भांजे का नाता है। अगर ये कौन सी पार्टी में जाए तो इसका मान सम्मान सब करते हैं। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जो है ना, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी की सरकार, ये कांग्रेस है, इसमें कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाना नहीं चाहता और ना ही वो किसको सम्मान देंगे। चाहता हूँ कि वीरेंद्र भी चाहते हैं शायद एक बार का मान हरियाणा की इनको सौंपी जाए। आप ये बताएं कि क्या लगता है वीरेंद्र सिंह जी आगे भविष्य में कोई अपनी पार्टी भी बना सकते हैं? हिसार के सुशीला भवन में वीरेंद्र सिंह के साथी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हिसार के सुशीला भवन में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। सामने देख सकते हैं आप पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बैठे हैं और साथ में इनके वरिष्ठ जो साथी हैं वो भी बैठे हैं और साथ में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है और ये इनके कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में एक वीरेंद्र सिंह जी एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं 23 मार्च को आगे। तो ऐसे में जो इनके वीरेंद्र सिंह जी के जो कार्यकर्ता हैं इनसे बातचीत करेंगे कि जो वीरेंद्र सिंह ने जो आज कार्यक्रम रखा है तो आप क्या मानते हैं वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कितने बड़े नेता हैं? वीरेंद्र सिंह चौधरी जी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। हमारा तो यही मानना है, जो कहते हैं वो करते हैं, सत्य और ईमानदार। अच्छा क्या लगता है वीरेंद्र सिंह जी ने बीजेपी में शामिल होके गलती किया ठीक किया था? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया, इसमें कोई गलती नहीं। उसका अच्छा मान सम्मान मिला बीजेपी ने, उसके लड़कियों को एमपी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, बहुत अच्छा। तो कैसा इनका भविष्य देखते हैं आप? मैं बहुत उज्ज्वल, मैं चाहता हूँ कि वीरेंद्र भी चाहते हैं शायद एक बार का मान हरियाणा की इनको सौंपी जाए। आप ये बताएं कि क्या लगता है वीरेंद्र सिंह जी आगे भविष्य में कोई अपनी पार्टी भी बना सकते हैं? ये तो एक कार्यकर्ता हूँ, जो वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता हैं उनका ये मिलन समारोह था और उनसे अपना एक आपसी मेल मिलाप के लिए मीटिंग थी आज, ये ऐसा कुछ नहीं पार्टी बड़ा। तो क्या लगता है वीरेंद्र सिंह अगर हरियाणा की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण, कितने बड़े कद्दावर नेता है? नहीं, वीरेंद्र सिंह तो बहुत बड़ा, वीरेंद्र सिंह तो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है और ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और बीजेपी में काम कर रहे हैं, मौके पर बीजेपी में ही है अब फिलहाल, तो अभी कोई ऐसा कुछ नहीं पार्टी बनाने का। और बहुत बढ़िया किसान नेता अपने, आज वैसे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और उस मीटिंग के में ही आज मिलना हुआ सबसे, अपना एक मिलन समारोह था और कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं जी, आप वीरेंद्र सिंह जी पूरा मुखर होके बोलते हैं हर मुद्दा, चाहे अभी वर्तमान में भाजपा में भी हैं शामिल हैं तो फिर भी ये खुल के बोलते हैं, तो क्या लगता है इन्होंने भाजपा में जाकर गलती की है नहीं की? ना गलती तो के की है जी, कोई गलती नहीं की है, ठीक है, भाजपा में भी इज्जत है चौधरी वीरेंद्र सिंह की। आज जो क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये वीरेंद्र सिंह जी? आज तो मिलन समारोह है जी, नए साल के उपलक्ष्य में मिलन समारोह है। तो क्या लगता है आगे कोई अपनी पार्टी भी बना सकते हैं? तो देखो जी आगे भविष्य क्या कह सकते हैं जी। अच्छा आप बताइए जी, जो वीरेंद्र सिंह जी ने आज प्रोग्राम रखा है अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये देना चाहते हुए बेरोजगारी और ये किसान मजदूर की लड़ाई है, ये आप हमने आपस में लड़नी है। ये अच्छे नेता है हरियाणा के, हम इसको सीएम देखना चाहते हैं 23 तारीख की दिन में, बहुत बड़ी रैली करने को जा रहे हैं, बहुत कामयाब होगी, बहुत लोग उत्साहित हैं रैली को देखने के लिए। तो आप इनको कितना बड़ा नेता देखते हैं हरियाणा स्तर पर? मैं इनको बड़ा भगवान से तो छोटा मानता हूँ, बट बाकी हरियाणा में सबसे सीनियर नेता हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र दे और इनको अच्छे काम के लिए सक्षमता दे। मैं यही भविष्य करता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको दे, क्योंकि ये किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा गरीब को का पालन करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, किसान मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। इनमें चौधरी छोटू राम के नाती का वो खून है और इस खून को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं यही शब्द कहना चाहता हूँ। अच्छा ये बताएं जी, अगर वीरेंद्र सिंह जी अगर कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो क्या भूपेंद्र हुड्डा उन्हें स्थान देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि इनका तो मामा भांजे का नाता है। अगर ये कौन सी पार्टी में जाए तो इसका मान सम्मान सब करते हैं, मैं यही शब्द कहना चाहता हूँ। तो
हमारे साथ और भी जो कार्यकर्ता हैं इनसे बातचीत करेंगे कि अगर वीरेंद्र सिंह जी किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा क्या स्थान देंगे उनको? माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जो है ना, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र जी की सरकार, ये कांग्रेस है, इसमें कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाना नहीं चाहता और ना ही वो किसको सम्मान देंगे। अच्छा, ये बताएं जी, अभी क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी मुखर होकर बोलते हैं, पूरा जो भी मुद्दा होता है सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं कई बार, तो क्या लगता है इन्होंने बीजेपी में जाकर ठीक किया या रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इन्होंने बीजेपी में जाकर भी बिल्कुल ठीक किया और बीजेपी में रहना चाहिए इनको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी, ये मुखर तो देखो ये सच्चे इंसान है और सच्चा इंसान गलत हो या ठीक हो बात ठीक ही कहेगा और ठीक ही बात करेगा। तो जो अब आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी? आज संदेश यही है कि वीरेंद्र सिंह जी जो है ना, किसानों के और गरीबों के और युवाओं बेरोजगारों के हितवैसी बन करके सामने आए और जनता उनके साथ है जी। एक जो प्रोग्राम होने जा रहा है 23 तारीख का, 23 तारीख को बड़ी मात्रा में जो है ना लोग बाग जाएंगे और वीरेंद्र जी का साथ देंगे और श्री माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जी का भी साथ देंगे और हरियाणा सरकार का भी जो है ना इन समझाएंगे इनको कि ये गरीबों का किसानों का मसीहा बन करके आ गया है जी। आज ये जो सुशीला भवन में कार्यक्रम रखा गया था, इसमें वीरेंद्र सिंह के जो साथी कार्यक्रम था, इसमें यही संदेश दिया गया है 23 तारीख को जो एक बड़ी रैली होने जा रही है इसको लेकर उन्होंने बुलावा दिया है सभी लोगों को। और इससे पहले 7-8 जिलों में वीरेंद्र सिंह जी अपने साथियों के साथ, निजी साथियों के साथ बैठक कर चुके हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का ये भी मानना था कि ये किसान हितैषी युवाओं की जो बेरोजगारी की और कई तरह की जो समस्याएं उठाते रहते, तो ऐसे में वो एक लोगों के सामने अपनी और बात उठाते रहते हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक हिसार।